नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कैसे कंगना रनावत ने एक्सपोज किया द न्यू बी ग्रेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। आई लाइक हाउ बिकॉज शी ऑब्वियसली कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। ये नहीं कहते कि उससे कभी लाइफ में गलतियां नहीं हुई होगी, बट ऑब्वियसली जो उसके लिए सही है और जो उसने शिद्दत से पाया है, इनफैक्ट हर हार्ड वर्क से जो उसने मुकाम पाया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर वो अपने डिट्रैक्टर्स को कॉल आउट करती है, देन दैट इज राइट, दैट इज करेक्ट, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कंगना रनावत ने तापसी पानू और उसकी जो चमचियां हैं, स्वरा जैसी औरतें जो अभी बिकॉज जॉबलेस हैं, सेक्स फिल्म्स करने लगी है, रस भरी जैसे, जिसको ऑब्वियसली लिबरल फेमिनिस्ट बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव समझ रही है। आई एम जस्ट शॉक्ड दैट रस भरी को साड़ी नहीं पहनना चाहिए था, बुरखा पहनना चाहिए था, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव फिल्म लगती। मगर ऑब्वियसली ये जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं बॉलीवुड में काम करती हैं, जो ऑब्वियसली नेपोटिज्म की डिबेट को डीरेल कर रही हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत के निधन से शुरू हुई है, और कह रही है कि बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म इतना नहीं है, बॉलीवुड इतनी बुरी जगह नहीं है, अपने पीआर, यूनिवर्सल पीआर को टैग कर रही है, वो तापसी पन्नू के आर्टिकल्स है। पिंक विला का कोई आर्टिकल है जहां पर वो खुद अपने मुंह से कह रही है, यस पिंक विला डेस्क का आर्टिकल है जो जुलाई 4, 2020 का था, जहां पर वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि शी लॉस्ट सम फिल्म्स ओइंग टू नेपोटिज्म। जी हाँ, नेपोटिज्म शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चंस पब्लिक स्टैंड्स इन द मैनर, ये हेडलाइन थी वो आर्टिकल की। एनडीटीवी, जो ऑब्वियसली एक लिबरल फ्रंट है, उसने भी कहा है कि तापसी पन्नू क्लेम्स दैट शी लॉस्ट रोल्स फॉर नॉट बीइंग सो एंड सोज डॉटर, और ये आर्टिकल जुलाई 16, 2018 का है। मगर इनको लगता है कि ऑब्वियसली सोशल मीडिया का जमाना नहीं है, ये जो भी बकबक 2 साल 3 साल पहले करेंगे वो बकबक उनकी बाहर नहीं आएगी। तो तापसी पन्नू को जब अपनी पिक्चर रिलीज करनी होती है और न्यूज में आना होता है 2 साल पहले, तो वो नेपो, और अब जब उसको नीडी आउटसाइडर का टैग दिया कंगना रनावत ने, बिकॉज उसको काम चाहिए, शायद उसने घर वर ले लिया होगा, ईएमआई भरनी होगी, पैसे नहीं होंगे, और वैसे तो उसको कोई काम देने वाला नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट अ सुपरस्टार मटेरियल। वो जितना चाटती है इन फिल्म मेकर्स की, उसी बेसिस पे उसको काम मिलता है। सो नाउ शी इज सेइंग दैट प्लीज डोंट कॉल बॉलीवुड अ बिग बैड डर्टी प्लेस, बिकॉज आउटसाइडर्स को यहाँ पर आने से टेंशन हो जाएगी। बट आउटसाइडर्स को यहाँ की सच्चाई पता होनी चाहिए, सो वन दे नो द ट्रूथ, दे आर गोइंग टू ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, प्रिजर्व देमसेल्व्स एंड नॉट बिकम विक्टिम्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत। तापसी पन्नू के सहयोग में आई स्वरा भास्कर, बिकॉज उसका भी नाम लिया गया, बेचारी को पब्लिसिटी मिल गई। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ट्रोल्ड हर बिकॉज दे थिंक दैट शी इज नॉट इवन अ बी ग्रेड एक्ट्रेस, शी इज मोर ग्रेड्स डाउन, बट लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दैट। बट आई रियली लव्ड दिस ग्रेडिंग बाय कंगना रनावत। आई लाइक हर बिकॉज शी फाइट्स फॉर हर सेल्फ, एंड एवरी पर्सन हैज अ राइट टू फाइट फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज हमको भगवान ने जिंदगी दी है एंड वी हैव अ राइट टू लिव आर लाइफ द वे वी वॉन्ट। येस तापसी पन्नू, माई शिट, माई लाइफ, माई पॉट एंड माई रूल्स, सो दैट अप्लाइज टू एवरीबडी। सो बट वेन यू डू हिपोक्रेसी लाइक 2018 में यू टॉक अबाउट कि कैसे आपको काम नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, और 2020 में जब सुशांत की मौत के बाद लोग नेपोटिज्म की सच्चाई के ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं, देन यू वांट टू से कि नेपोटिज्म इतना नहीं है, बॉलीवुड इतनी बुरी जगह नहीं है। तो आई थिंक यू नीड सम साइकाइट्रिक हेल्प। मे बी यू सफर फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, मे बी स्वरा सफर्स फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, बिकॉज इतनी खुलियां उड़ाने के बाद भी वो कंगना के जो जो अकाउंट है ट्विटर पर उसको टैग कर रही थी और कह रही थी कि वी शुड अपलॉड अस ऑल विमेन हु आर चार्टरिंग आर ओन पाथ टू काइंड ऑफ बिकम समथिंग इन आर ओन लाइफ। तो शी वॉज ऑब्वियसली ट्राइंग टू बी यू नो एक्चुअली अच्छी औरत, एंड अच्छी औरत बनने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि वो साक्षी जोशी जो कोई जर्नलिस्ट है, जी हाँ, आई हैड कॉल्ड हर अ विच, यू रिमेंबर दैट, साक्षी जोशी, मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड आई कॉल्ड हर अ विच बिकॉज उसने मुझे सी ग्रेड एक्ट्रेस बोला था। शी डिड नॉट एग्री विद सम ओपिनियन ऑफ माइन बिकॉज आई थिंक एवरीबडी नोज कि आई सपोर्ट मोदी जी, एंड साक्षी जोशी इज वन ऑफ दोज लिबरल गैंग वाली औरत जो मोदी जी को गालियां देकर अपनी रोजी रोटी कमाती है। तो साक्षी जोशी ने कुछ बोला एंड आई had reverted back to her and she called me a C grade actress. Yes, that is called character assassination. She called me a C grade actress. But jab aaj स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को बी ग्रेड एक्ट्रेस बुलाया जा रहा है बाय कंगना रनावत, तो साक्षी जोशी उनके समर्थन में आकर कह रही है कि हम है ना ये सब सुनने के बाद है ना अपनी अल्फाबेटिकल डिक्शनरी से ए शब्द निकाल ही देंगे, हमारी अल्फाबेटिकल डिक्शनरी में सिर्फ शब्द बी से शुरू होंगे। मतलब सच हिपोक्रिट्स, इडियट्स, यू वुमेन आर वर्स देन आई थिंक यू नो
jokers like whoever I name in my earlier videos. I don't want to name them in this video and give them publicity, but the jokers that I kind of named in my earlier videos, the pet dogs of some superstars, you are worse than them. आप में तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि आप ये बोले, आपको ये समझ पड़े कि आपने 6 महीने पहले ट्विटर पर क्या लिखा था. यू गाइज आर सो ड्रंक दैट यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाट यू राइट. आप लोग बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि बड़े नाम लिए जा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत डेथ इन्वेस्टिगेशन. तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि बड़े आदमी सोने से जड़े हुए होते हैं, बड़े आदमी कोई गलत काम नहीं कर सकते, बड़े आदमी अगर दिन को दिन बोले रात को रात बोले तो छोटे आदमी जैसे आप लोग उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. बट देखिए हम छोटे आदमी नहीं है, हम सिर्फ इंसान है. हमको जो गलत लगता है उसके ऊपर बोलते हैं, जो सही लगता है उसके ऊपर बोलते हैं. तो चाहे आपके सुपरस्टार्स हो, चाहे आपके बिग बिग प्रोडक्शन हाउसेस के हेड हो, अगर उन्होंने कुछ यू नो कंस्पायर किया है टू किल सुशांत सिंह राजपूत तो उनके नाम लिए जाएंगे. हम ऑब्वियसली लॉ नहीं है, हम पुलिस नहीं है, हम किसी को जेल नहीं भेज सकते, हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त रख सकते हैं. सो ये लेडीज अब सब बड़े बड़े सुपरस्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस के हेड के समर्थन में आए हैं ये कह के और कि ऑब्वियसली कंगना सबका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है और अपना पर्सनल गोल अचीव कर रही है बाय फायरिंग फ्रॉम अ डेड मैन शोल्डर. तो आई थिंक इनसे ज्यादा घटिया इंसान कोई है ही नहीं. जब ये लोग किसी को ए ग्रेड बी ग्रेड मैड औरत कहते हैं तब सही है. मुझे बहुत सारे लोगों ने बी ग्रेड बोला है, कंगना को बहुत सारे लोगों ने मैड औरत बोला है, सबने उसको विच तक बोला है क्योंकि वो कुछ उसका कुछ आर्टिकल आया था व्हेन शी वाज हैविंग अ रिलेशनशिप विद अध्ययन सुमन दैट शी वाज इंडल्जिंग इन विचक्राफ्ट. सो ऑल दीस पीपल कॉल अदर पीपल व्हाट एवर दे फील लाइक बिकॉज उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तभी होती है, तभी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता. एंड अब जब हम लोग कॉल आउट कर रहे हैं हिपोक्रेसी ऑफ पीपल लाइक अमिताभ बच्चन और इवन अमिताभ बच्चन और सलमान खान और एकता कपूर और करण जौहर तो और महेश भट्ट और या मुकेश भट्ट, एंड दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर असैसिनेशन बाय द लिबरल फेमिनिस्ट गैंग ऑफ बॉलीवुड. ये लिबरल फेमिनिस्ट गैंग इतना डम है कि ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन अब्यूज के ऊपर कुछ पिटिशन फाइल करने वाला है या सोनम कपूर ये ड्रामा करने वाली है. वो सोनम कपूर जिसको ऑब्वियसली कंगना रनावत को करण जौहर कॉल आउट कर रहा था एज प्लेइंग अ वुमन कार्ड ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो सुनाई नहीं देता है. मगर ऑब्वियसली हार्पर बाजार यू नो दुबई या मिडिल ईस्ट के कवर पे आने के लिए वो कहती है कि वो ऐसे देश में पैदा हुई है जहां पे औरतों को सेकेंडरी समझा जाता है. आई डोंट नो, उसकी बुद्धि तो घुटनों में भी नहीं है. यू शुड नॉट टेक हर सीरियसली, शी इज वर्स्ट इवन देन राहुल गांधी. आई एम सीरियस अबाउट दिस बिकॉज सोनम कपूर इज लाइक नो हेड और टेल, शी हैज गॉट नथिंग अप देयर, इट इज जस्ट आई थिंक भूसा भरा हुआ. सो दैट इज सोनम कपूर एंड द बॉलीवुड फेमिनिस्ट ब्रिगेड जिसको ऑब्वियसली कंगना रनावत ने ग्रेडिंग दी है. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट ग्रेडिंग बिकॉज जब ये लोग दूसरे लोगों को ग्रेडिंग दे सकते हैं तो इनको इनकी ग्रेडिंग क्यों नहीं एक ए ग्रेड एक्ट्रेस दे सकती है जिसकी पिक्चर ऑब्वियसली 100 करोड़ से ज्यादा करती है बॉक्स ऑफिस में. सो नथिंग रॉन्ग, शी इज स्पीकिंग द फैक्ट. इफ शी हैज अर्न्ड अ पद्मश्री ड्यू टू हर हार्ड वर्क एंड नेशनल अवार्ड्स ड्यू टू हर हार्ड वर्क एंड शी इज कॉलिंग आउट समबडी अ बी ग्रेड एक्ट्रेस देन एक्सक्यूज मी, लर्न टू हियर इट, लर्न टू एक्सेप्ट इट. जैसे आप लोग मुझे बी ग्रेड बोलते हो वैसे अगर आपको आपसे बड़े किसी ने बी ग्रेड बोला तो वो सुनने की क्षमता भी रखिए. अब मैं आपसे आगे बात करती हूँ. द लिबरल फेमिनिस्ट ऑब्वियसली ये ड्रामा तो खत्म हो चुका है एंड ये कैरेक्टर असैसिनेशन की बात भी हो चुकी है. अब एक कोई प्रशांत कनौजिया है, जी हाँ, ही सम मैड फेलो, ही गेट्स हिज रोजी रोटी बाय अब्यूजिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. अब जो फीमेल कॉमेडियन थी अग्रिमा जोशुआ, जो ऑब्वियसली जयश्री राम को गाली से कंपेयर कर रही थी, उसको ये नहीं पता कि कोई दूसरे धर्म के लोग बम फोड़ते समय कौन सा नारा लगाते हैं, शी हैज एमनेशिया. तो ये प्रशांत कनौजिया वॉज काइंड ऑफ कॉलिंग आउट द गाय हु अब्यूज दिस अग्रिमा जोशुआ. आई एम नॉट सपोर्टिंग हिज अब्यूजिव लैंग्वेज. शुभम मिश्रा, आप अब्यूज करके वही लेवल पे आ रहे हैं जो लेवल पे ये आपको लाना चाहते हैं. सो डोंट अब्यूज बिकॉज दैट विल यू नो डीरेल आवर मूवमेंट ऑफ एक्सपोजिंग देम. मगर शुभम मिश्रा को कॉल आउट करते हुए ये जो प्रशांत कनौजिया है वो कह रहा है कि ही इज सम बैड वर्जन ऑफ मी, एक्सक्यूज मी, आई डोंट अब्यूज सो मच. ओके, द फीमेल कमेडियंस हु गिव गंदी गंदी गालियां इन हिंदी, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एन अब्यूज. आई हैव नेवर
अब्यूज एनीबडी अ डर्टी वर्ड विद अ डर्टी वर्ड. ओके, सो प्रशांत कनौजिया जो हमारे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस को गंदे गंदे शब्दों से पुकारता है वो तो अब्यूज की बात करे मत. एंड यू वॉन्टेड दैट 1 मिनट ऑफ फेम, सो आई एम गिविंग यू दैट 1 मिनट ऑफ फेम इन माई वीडियो. यू आर अ यूजलेस पीस ऑफ शिट हु ऑब्वियसली इज अ हिंदू बट अर्न्स हिज मनी आउट ऑफ सेलिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस. तो कन्वर्ट हो जा, कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि कम से कम जिस धर्म में कन्वर्ट होगा उसके बारे में वाह वाह बोलेगा. ये धर्म में रह के, सनातन धर्म में रह के, सनातन धर्म की बुराई करके हिंदुस्तान में रह के अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और हमको लोग कहते हैं कि हम हिंदू टॉलरेंट नहीं है. दीज आर द काइंड ऑफ सांप जो हम पालते हैं. एनीवेज, तो ही ट्राइड टू गेट हिज फेम बाय टैगिंग मी एंड डूइंग सम शिट ऑन ट्विटर, बट आई एम नॉट ऑन ट्विटर. मैं ट्विटर पर नहीं हूं, मेरा कोई भी अकाउंट ट्विटर पर नहीं है. ऑल अकाउंट्स आर फेक. सो टेलिंग ऑल दीज वॉनाबीज एंड लिबरल सपोर्टर्स दैट प्लीज फाइंड अ डिफरेंट प्लेस टू वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज मैं ट्विटर पर नहीं हूं. मैं ऑब्वियसली आपके फॉरवर्ड्स देखती हूँ क्योंकि मुझे फॉरवर्ड्स मिलते हैं एंड जो मुझे ठीक लगता है उसके ऊपर मैं बोलती हूँ. एंड सम पीपल आर सो वर्थलेस दैट आई डोंट यू वॉन्ट टू कमेंट ऑन देम. बट जी हाँ, तपसी पानो, इट्स गुड टू हियर दैट यू आर अ बी ग्रेड एक्ट्रेस. स्वरा भास्कर इज वर्स देन दैट, दैट इज वॉट वन ट्रोल वॉज कॉलिंग हर. एंड उसकी जो चमची दोस्तियां दोस्त हैं जैसे ये ऋचा चड्ढा एंड द श्रुति श्रेक टाइप्स, जिन्होंने लाइफ में ऑब्वियसली सिवाय चापलूसी के और कुछ नहीं किया है, दे ऑब्वियसली तपसी को हीरोइन बना के बैठी हुई है उनके पीछे. एक्सक्यूज मी, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ? दैट इज द कंफ्यूजन एंड दैट इज द क्वेश्चन वी ऑल हैव. एंड दैट इज व्हाई हम लोग इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं. मगर आप इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करना चाहते, आप इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर को रोक रहे हैं ये कहकर कि उसने सुसाइड किया है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, दिखाता है कि आप लोग कितने घटिया लोग हैं. आप लोग एक डेड आदमी के शोल्डर से फायर कर रहे हैं क्योंकि आपको बॉलीवुड की इमेज खराब नहीं करनी, आपको अपनी फंडिंग बंद नहीं करनी जो इस्लामिक देशों से आती है. जी हाँ, आई वुड लाइक मुंबई पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अ पर्सन कॉल्ड एज इम्तियाज खत्री. Now this name should be known to all the Bollywood people. He is a loaded guy. He's a Muslim guy, but he is a very rich guy. Apparently, he is a financier, hai, builder, hai, and he has been seen with Sushant Singh Rajput. वो एक समय पे Sushmita Sen को date करता है, एक समय पे Jacqueline Fernandez को date करता है. News is available on public domain, so I am not making a personal attack. But obviously, Imtiaz Khatri is somebody who is supposed to be super super loaded. इसके contacts है दुबई के अंदर एंड आई थिंक समवेयर ही इज इन्वॉल्व्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर व्हिच आर नॉट लीगल. सो आई थिंक मुंबई पुलिस शुड कॉल हिम एंड इन्वेस्टिगेट एंड आस्क हिम फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग उनकी इनकम कहां से होती है, वो कैसे पैसों कमाते हैं, बिकॉज दीज बिल्डर्स हैव लॉट ऑफ मनी वेयर दे चेंज द ब्लैक इन टू व्हाइट. एंड सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला था द थ्री खान्स हैव प्रॉपर्टीज इन दुबई एंड दे हैव एसेट्स विच आर नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ईडी शुड काइंड ऑफ मारो अ छापा एंड ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट देयर द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी दैट दे ओन. सो आई वुड गो ऑन दैट ट्रेल ऑफ थॉट एंड आस्क मुंबई पुलिस दैट यू शुड इन्वेस्टिगेट अ गाय कॉल्ड एज इम्तियाज खत्री. जी हाँ, यू विल सी हिज फोटोग्राफ्स ऑन सोशल मीडिया. ये सुशांत सिंह राजपूत के सो कॉल्ड दोस्त थे, मगर शायद दोस्त की जगह वो कोई और भी हो सकते हैं जो एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकते हैं. दिस इज जस्ट अ थॉट बिकॉज आई सॉ सम वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ हिम विद सुशांत एंड आई नो दैट ही हैज कनेक्शंस इन दुबई बिकॉज कॉमन कॉमन लोग हैं जब जो बॉलीवुड से रिलेटेड है और जिन्होंने ऑब्वियसली कहा है कि कैसे वो फिल्मों में फंडिंग करवाता है एंड देन ऑब्वियसली ही हैज दिस होल एंगल एंड पास्ट विद सुष्मिता सेन एंड दिस वुमन जैकलिन फर्नांडिस. तो आपको भी ऑब्वियसली ये सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए मुंबई पुलिस, अपार्ट फ्रॉम investigating the people जिनके नाम मैंने अपने पिछले वीडियो में लिए थे, because we need to really understand whether this is an abetment to suicide or this is a pre-planned murder, because investigation तो होके रहेगी. इन बॉलीवुड लॉबी के कहने से इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने वाली, सीबीआई इंक्वायरी विल हैपन. इट इज बियॉन्ड इलेक्शंस, लाइक आई हैव टोल्ड यू, सीबीआई इंक्वायरी हैज टू हैपन. बॉलीवुड माफिया चाहे कितना भी सुसाइड की स्टोरी बेचकर सुशांत की मौत को दबाने का प्रयास क्यों ना करे, हम ऑब्वियसली सीबीआई इंक्वायरी की मांग जा
जारी रखेंगे। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कंगना इज स्पीकिंग आउट लाउडली एंड टेकिंग नेम्स, बिकॉज यू नो बाय डूइंग दैट यू आर पुटिंग अ डायरेक्ट अटैक टू योर एनिमी इन अ पब्लिक डोमेन, एंड इफ द एनिमी थिंक्स दैट दे आर करेक्ट देन दे शुड रिवर्ट बैक विद प्रूफ्स, बट इफ दे चूज टू कीप क्वाइट बिकॉज दे थिंक दैट कीपिंग क्वाइट विल मेक देम द बेटर पर्सन, देन इट्स देयर लॉस। बिकॉज आज तक हम सब चुप रहे हैं, हमने कभी भी बॉलीवुड के अंदर जो भी मैल प्रैक्टिस हुई है उसके ऊपर बात करना समझा है कि लेट्स अवॉइड इट, बिकॉज ये करके कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों जाए। एंड दिस हैज ऑल्सो बीन माई थॉट प्रोसेस आफ्टर दैट होल दिबाकर एपिसोड, बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट टॉकिंग इज इम्पॉर्टेंट। टॉक करने से हम सिचुएशंस को एटलीस्ट आगे नहीं हो ऐसा प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर लेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट। सो मुंबई पुलिस प्लीज इन्वेस्टिगेट अ गाय कॉल्ड एज इम्तियाज खत्री, यस दैट्स द नेम, एंड तपसी पानू एंड स्वरा भास्कर, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर इन द सेम ग्रेड एज आई एम, बिकॉज जब मुझे बी ग्रेड बोला जाता है तब कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होता, मगर आपको अगर बी ग्रेड बोला जाता है तो आपकी फट के हाथ में आ जाती है, और आपके समर्थन में वही लोग आते हैं साक्षी जोशी जैसे दोगले लोग जो मुझे सी ग्रेड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ। सो दिस इज बॉलीवुड फेमिनिस्ट विमेन एंड सपोर्टर्स इन जर्नलिज्म ऑल्सो, एंड दिस इज देयर दोगलापन। नमस्ते।